हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। सो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज बिरयानी, होममेड वेज बिरयानी। आप देख सकते हैं ये इंग्रेडिएंट यहाँ पे लगेंगे। आप कई प्रकार के वेजिटेबल्स आप ले सकते हो उसमें, जो आपको पसंद हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें आप सरसों का तेल आप डाल दो। देन फिर आप सबसे पहले प्रोसेस है कि हम सारे जितने वेजिटेबल्स हैं सबको हम पहले फर्स्टली तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे, सैलो फ्राई कर लेंगे। देन उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हम बिरयानी के लिए अलग से ऑनियन भी फ्राई करके रख देंगे। ये हम अलग से ऑनियन फ्राई करके, सैलो फ्राई करके रेड हो जाए, देन फिर हम इसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसमें जो बाकी के ऑनियंस हैं स्लाइसेस कटे हुए वो, एंड उसमें चिली जो हम इसमें डालेंगे और उसको थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट जो है वो भी इसमें डाल देंगे। हम जो ये बना रहे हैं वो दो लोग के हिसाब से है, सो हमने ओनली 1 टेबल स्पून पेस्ट लिया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें हम दो बड़े कटे टोमेटो ले लेंगे जो इसे, फिर उसके बाद इसे अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक भी आप मिला के फिर इसे थोड़ा सा भून लेंगे और इसे ढक के रख देंगे जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता है एंड टोमेटो सॉफ्ट नहीं हो जाता है, तब तक इसे भून लेंगे अच्छे से। ओके, तब तक हम एक पैन में जो है चावल राइस बना लेंगे। उसमें हम घी डालेंगे। घी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पड़ेगा तो मैंने 2 टेबल स्पून घी ले लिया है। उसके बाद करी पत्ता, दालचीनी, इलायची, क्लोव्स एंड काली मिर्च इसमें डाल देंगे एंड थोड़ा सा इसे भून लेंगे हल्का सा। उसके बाद इसमें चावल डाल देंगे और थोड़ा सा हल्का सा चावल भी भून लेंगे हल्का सा। उसके बाद इसमें हम पानी डाल के और फिर इसे ढक के पकने पे छोड़ देंगे जब तक चावल 80% कुक नहीं हो जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो गया है। इसमें हमने इस मसाले डाले हैं, जो लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है और हल्दी का, तो हम इसे फिर मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं चावल में मैंने पानी डाल दिया है, चावल भून गया था, तो उसके बाद पानी डाल के उसे थोड़ी देर ढक देंगे जब तक चावल 80% पक नहीं जाता है। उसके बाद फिर हमने मसालों में जो सब्जियों के वो सारे सब्जी वेजिटेबल्स उसमें डाल दिए हैं और अच्छे से उसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम थोड़ा सा इसको ढक के पकाएँगे कि सब्जियाँ हमारी पक जाएँ अच्छे से। राइस देखिए पक गया है और सब्जियाँ भी हमारी पक गई हैं। अब इसकी लेयरिंग स्टार्ट करेंगे। मैंने सिर्फ एक ही लेयर, सिंगल लेयर ही लगाया है। आप चाहो तो डबल लेयर भी कर सकते हो। मैंने सिंगल लेयर लगाया है, मैंने चावल सब्जियों के ऊपर चावल डाल दिया है। उसके बाद फिर मैं जो मैंने तले थे प्याज वो और कोरिएंडर आप डाल दोगे ऊपर से। उसके बाद आप फूड कलर्स इसमें डाल सकते हो एंड हम घी ऊपर से थोड़ा सा डाल देंगे। उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, देख सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसे हम दम पे रख देंगे, ढक के। आपके पास तवा होगा, उसको गर्म कर लें। फिर उसके बाद तवा गैस ऑफ करके इसको ऊपर से रखते हैं। देन आप देख सकते हो हमारी बिरयानी एकदम रेडी है। बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, कलरफुल एकदम, एंड खाने में भी टेस्टी थी बहुत ही। आप एक बार ट्राई करना, तो आप हमें ज़रूर बताना कैसा लगा था आपको, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
सो आपको हमारे डिशेज़ अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको और अच्छे अच्छे डिशेज़ आपको मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो के, बाय।